हेलो दोस्तों, मेरा नाम अश्वनी जैन है। आज मैं थानू जियोग्राफी का सैकेंड लैक्चर कराऊंगा, जिसका नाम है तरातर या फिर कह लो तरलीफ। देखो दोस्तों, जो ये वाला चैप्टर है तुहाडा की है, काफ़ी ज़्यादा मैप के नाल रिलेटेड है, नक्शे के नाल रिलेटेड है। इसलिए सब तो पहला की आप नक्शे का की बेसिक समझा, उस तो बाद आप चैप्टर की स्टार्टिंग करा। देखो सब तो पहले जो भी अपना नक्शे की गल करते तो अपन बेसिक ये डायरेक्शन बारे पता होना चाहिए, दिशावान बारे पता होना चाहिए। देखो मान लो कि है ये अपन चार दिशावान, जो मैं जोड़ता निशान बनाया की हैं चार दिशावान। हजे तुम नक्शे इग्नोर करना है, सिर्फ दिशावान बारे दस रहा। जो सब तो उपर है, सब तो उपर होंगी है उत्तर दिशा, जिसने इंग्लिश में आप कहने नॉर्थ। सब तो उपर कूड़े के उपर उड़े से ही उत्तर, वो कही दिशा अपनी नॉर्थ। नॉर्थ के बिल्कुल ओपोजिट उत्तर के बिल्कुल ओपोजिट की होंगे दक्षण दिशा, जिसनों आप कहने साउथ। सब तो पहला आप मैप करने तो पहले की डायरेक्शन बारे देखा, उत्तर दक्षण सज्जे हाथ बारे वाले पास आप मान लें पूर्व मान लें। जो आप कापी से ड्रा करते हैं पूर्व में आप कहने ईस्ट, खब्बे हाथ वाली साइड अपना की हो जाता है वैश्व, यानी कि पच्छम। दोबारा दस रहे हैं, देखो सब तो उपर वाली दिशा उत्तर, उत्तर के ओपोजिट यानी कि बिल्कुल हेठा वाली दिशा की होंगी अपनी दक्षण, पूर्व और पच्छम। ये अपन चार दिशावान होंदिया। देखो ये अपने चार दिशावान तुम्हें क्लीयर हो गई होंगी, सब तो उपर की है उत्तर, हेठा दक्षण, सज्जे हथ वाली साइड पूर्व और खब्बे हथ वाली साइड पच्छम। देखो मान लो कोई चीज इतने जी है, इन्होंने दोवों के विचकार है इतने है, तो इन आप कहे ना तो आप पछम कह सकते ना ही उत्तर, तो इसका नाम की होजू इन्होंने दोवों तो मिलकर होजूगा। तो यह कि दिशा होगी इतने उत्तर पछम नॉर्थ वैसट, या मान लो कोई चीज इतने है तो कि होगी दक्षण पछम। पर तुम इन्हें कंफ्यूज नहीं होना, फिलहाल चार डायरेक्शन नाम ध्यान रखो, उपर वाली उत्तर, हेठा वाली दक्षण, सज्जे वाली पूर्व, खब्बे वाली पछम। अच्छा तो की हो गया दो मिला के उत्तर पछम, जे कोई जरूरी होंगी तो की हो जाता उत्तर पूर्व, इस तरह देखना है। तो देखो नक्शा करने तो पहला सब तो पहला अपना डायरेक्शन पता होना चाहिए भी अपने की है डायरेक्शन कहड़िया हैं, चार दिशावान मुख, उपर वाली उत्तर, हेठा वाली दक्षण, सज्जे हथ वाली साइड पूर्व, खब्बे हथ वाली साइड पछम। यह अपना पूर्व, यह अपना पछम भारत, दक्षण भारत और उत्तर भारत, यह अपने चार दिशावान हो गई। उस तो बाद आप भारत का थोड़ा जहा नक्शे बारे समझा, भारत का नक्शा की है। देखो सब तो पहला आप बाउंड्रीज की गल करते हैं। देखो जो आहा वाली बाउंड्री है जितों मैं स्टार्ट कर, ये तो सारा उपर वाला पोर्शन आह सारा जिस क्षेत्र वाला मार्कर जा रहा है, जिहड़ा उले तक पोर्शन है, मतलब जिहड़ा आह पोर्शन है उपर वाला पोर्शन, इस तो उहदा सारा की है थल सीमा लगती है, जिहड़ी आह सारी सीमा अपना बॉर्डर है, सारा की है थल है। थल सीमा मतलब की है लैंड लगता है, जिवें इत्थे की है तीन नंबर पारा होया, तीन नंबर ते की है पाकिस्तान, तो इतने के देश लग रहे हैं पाकिस्तान लग रहे हैं। ये सारी उपर वाली अपनी की होगी थल सीमा होगी, पर यह तो नीचे वाला पोर्शन जो आवला पोर्शन है, इतने भारत की है तिने पासे जो नीचे ट्रैंगल बन रही है, ट्रैंगल देखो इतने, ये ट्रैंगल के तिने पासे की है पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो नीचे भी पानी, तो उपर वाला की है अपना लैंड है। तो ये जो अपना बॉर्डर है आप कह देने थल सीमा, तो हेठा वाले आप कह देने जल सीमा। तो हम अपन कह सू नक्शे थल सीमा से जल सीमा की कलैरिटी हो गई होगी। तो हम आप थल सीमा के रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं भी की बनते हैं। पहला प्रश्न बनता है जो भारत की थल सीमा किन्ने देशों लगती है, भारत की थल सीमा किन्ने देशों लगती है, मतलब वो भारत का लैंड बॉर्डर किन्ने देशों शेयर करता है। वह सत्त देश हैं, ठीक है, वह सत्त देश हैं। यदि आप पहले लैक्चर भी डिस्कस कर, यह ट्रिक की है, देखो बचपन में MBA या बचपन MBA जो भारत की थल सीमा है वह सत्त देशों लगती है, जिसकी ट्रिक है बचपन MBA।
देखो भारत के सात देश केड़े लगते हो? जिथे एक नंबर पाया इत्थे की लगता पैना बांग्लादेश, दो नंबर पाया दूजे ते की लगता चीन, तीन नंबर ते पाकिस्तान, चार नंबर ते नेपाल, पांच नंबर ते म्यांमार, छे नंबर ते भूटान, सात नंबर ते अफगानिस्तान। दोबारा दस रहा देखो अपने हुण तक की कवर करिया, पहला आपां डायरेक्शंस देखिया हन वी उत्तर पछम पूर्व दक्षण की हन। हुण आपां देख रहे हां भारत दी थल सीमा ते जल सीमा। जल सीमा जो ट्रायंगल वाला भाग है जल सीमा है, जो उपर वाला पोर्शन हो गई है थल सीमा है। थल सीमा के क्वेश्चन की बनते हैं स्टार्टिंग करते हैं। सब तो पहला क्वेश्चन भारत की थल सीमा किन्ने देशों नाल लगती है? किन्ने देशों नाल लगती है? सत्त देशों नाल लगती है। वो अपने सत्त देश की ब्रेक क्या है? बचपन एम बी ए, बी ए बांग्लादेश, सी एस से चाइना, पी ए पाकिस्तान, एन ते नेपाल, एम ते म्यांमार, बी ते भूटान, ए ते अफगानिस्तान। तो इस तरह की है सत्त देश ने अपने थल सीमा भारत की सत्त देशों नाल लगती है। दूसरा प्रश्न भारत की थल सीमा सब तो ज्यादा जो भारत लैंड बॉर्डर है किस देश शेयर करता है? सब तो ज्यादा जो भारत का बॉर्डर है किस देश लगता है? बांग्लादेश लगता है। कि लगता है? 4096। सब तो ज्यादा भारत बाउंड्री जिद लगती है भारत की यह वाली, यह बांग्लादेश लगती है। कि किलोमीटर है? 4096 किलोमीटर। यह जो सारा क्रम है डिक्रीजिंग बॉर्डर से लैंड लैंड वाइज। सब तो ज्यादा बॉर्डर भारत कि लगता? बांग्लादेश 4096। दूसरे के बॉर्डर लगता है चीन नाल लगभग 3400 किलोमीटर के आस पास। एग्जैक्ट तो नोट्स में लिखवाया गया है भी कि है फस्ट लैक्चर। तीसरे के भारत ज़्यादा बॉर्डर सीमा लगती है पाकिस्तान नाल। इस तरह थानू तक की है दो प्रश्न बनते हैं किन्ने देशों नाल सीमा लगती है? थल सीमा लगती है सत्त देशों नाल। दूसरा प्रश्न इन्हां विचों किहड़े देश नाल भारत की थल सीमा नहीं लगती? मान लो चार ऑप्शन ने बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका। श्रीलंका नाल की है थल सीमा नहीं लगती, जल सीमा लगती है। यह अपना श्रीलंका। तो बेसिकली सत्त देश किहड़े किहड़े हैं? बचपन एम बी ए वाले। उस तो बाद सब तो ज्यादा थल सीमा कि लगती है? सब तो ज्यादा थल सीमा बेसिकली की गल कर रहे हैं अपना लैंड बॉर्डर की। सब तो ज्यादा लैंड बॉर्डर कि लगता अपना बांग्लादेश नाल। अगला क्वेश्चन भारत का बांग्लादेश का कि बॉर्डर लगता? 4096 किलोमीटर। सब तो घट बॉर्डर कि लगता अपना अफगानिस्तान नाल। ये डिक्रीजिंग बॉर्डर है। सब तो वध बांग्लादेश नाल, सब तो घट अफगानिस्तान नाल। उस तो बाद जे आप सारे के बॉर्डर का सम करिए भी भारत का कुल कि थल सीमा है? 15200 के लगभग। भारत का टोटल बॉर्डर सारे देशों में मिला के भारत का बॉर्डर कि बनता है? बॉर्डर एरिया 15200 किलोमीटर के करीब। सुन कहे भारत की थल सीमा कितनी शेयर है? भारत की थल सीमा कितनी लंबाई है? भारत की थल सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। जो अंदाजा चलाइए 4000 बांग्लादेश का, 3400 चीन का, 3300 पाकिस्तान का। 10000 तो सीधा ही हो गया, 10000 तो ज्यादा ही हो गया। इस तरह से सारे देशों ने जोड़ांगे तो 15196 या 15200 किलोमीटर भारत की की है थल सीमा है। तो बहुत बेसिक कराया है अपने भारत की की होगी थल सीमा, तो क्लीयर हो गई होगी। हुण आपां भारत की जल सीमा ते आने जो नीचे वाला पोर्शन है इस संबंधी की क्वेश्चन बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है भारत की जल सीमा की है कि है या भारत की तट खेत्र की लंबाई कितनी है? जो आप आ सारी लंबाई काउंट करा कि मीटर गए किन्ने मीटर है? 7516 किलोमीटर। भारत की तट खेत्र की लंबाई कितनी है? तट खेत्र की लंबाई 7516 है। जिमें लैंड बॉर्डर 15200 बनया सी, जो तट पानी वाला खेत्र है लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर। जेडे मैं तुम्हें फैक्ट लगा रहा इंपोर्टेंट ने, तुम्हें एंड इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कराँगा। हूँ देखो भारत के तीन पास समुद्र लगता है, इन्हों के नाल नाल अलग अलग नाम ने। अगला प्रश्न बनता है भारत के पूर्व विच केड़िया सागर है? यह भारत का पूर्व है, सज्जे हथ वाली साइड पूर्व होंगे। भारत के पूर्व विच बंगाल की खाड़ी है। तो पहला प्रश्न यही बनता है भारत के पूर्व विच की है? बंगाल की खाड़ी। भारत के पछम विच की है? अरब सागर। भारत के पछम विच की है? अरब सागर। ठीक है, ये भी समुद्र है, ये भी समुद्र है अपना। ठीक है, उस तो बाद भारत के दक्षण विच की है? भारत के दक्षण यानी कि भारत के हेठा की है? हिंद महासागर। जब आप इंग्लिश विच कही इंडियन ओशियन। तो तीन साइड पता होना चाहिए भारत की लगता है। पूर्व बिच बंगाल की खाड़ी, पूर्व च भी बब्बा आता है, बंगाल की खाड़ी च भी पहला अखर बब्बा है बस,
अरब सागर पछम दक्षण हिंद महासागर। तो एक प्रश्न बनता है भी केड़े देश के नाम से महासागर का नाम पिया हुआ है। तो सब कुछ अपना क्वेश्चन बनता है भारत के नाम से की है किसी महासागर का नाम भी पिया हुआ है जिवें हिंद महासागर यह कि नाम से पिया हिंदुस्तान भारत के नाम से पिया है। तो हूँ तक मैं तुम्हें देखो की कुछ दस्या है सारी रिविजन करा उस तो बाद अपना अगले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत के तट खेत्र की लंबाई कितनी थी 7516। उस तो बाद अगला प्रश्न बनता है भारत की तट सीमा नाल किन्ने राज लगते हैं जो आप गल करिए समुद्र है समुद्र के नाल किन्ने राज लगते हैं। तट बेसिकली समुद्र समझ लो समुद्र के नाल वाला एरिया की है तट है। सब तो पहला लगता है गुजरात एक दो तीन चार पांच छे तो उन्होंने नाम भी लिखाए जाएंगे महाराष्ट्र गोवा केरला तमिलनाडु उस तो बाद अपना केरल कर्नाटक गुजरात महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक केरल तमिलनाडु आंध्र उड़ीसा वेस्ट बंगाल एक दो तीन चार पांच छे सात आठ नौ यह तुसी की है मैप विच देख लेना है। मैं तुम दोबारा दस रहा मैं इत्थे की बनाए हन वी भारत दे समुंदर नाल किन्ने तट दे नाल किन्ने राज लगते हैं नौ राज लगते हैं। सब तो पहला एक नंबर ते की है गुजरात दो नंबर ते की है महाराष्ट्र तीन नंबर ते की है गोवा चार नंबर ते की है अपना कर्नाटक पांच नंबर ते केरला इस तरह छे नंबर ते तमिलनाडु सात नंबर ते आंध्र प्रदेश आठ नंबर ते उड़ीसा नौ नंबर ते वेस्ट बंगाल कह लो या पच्छमी बंगाल। हूँ तक देखो थोड़ा जिन्ना भी हूँ तक दे लैक्चर कवर होया मैं तुहानू एक बार रिविजन करा रहा बेसिकली मैप थोड़े लिए एक बार टफ लग सकता है पर जेकर थोड़ा जो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया तो समझो थोड़ी अद्धी जियोग्राफी पूरी होगी। ये चैप्टर तुसीं बहुत ध्यान नाल करना है ये थोड़ा बेस सैट करेगा भूगोल विषय का बार बार सुनना है बार बार नोट्स में तुसीं की है पढ़ना है जिस नाल तुहानू समझ वधिया आ जाएगी। हूँ तक जिन्ना डिस्कस करे एक बार मैं तुहानू रिवाइज करा रहा उस तो बाद आप अगे वधांगे। देखो सब तो पहला की है आपने देखा भी जो ये वाला चैप्टर है डायरेक्शन से नक्शे के नाल रिलेटेड है तो आप स्टार्टिंग करी सी डायरेक्शन से समझन तो भी नक्शे को समझने लिए आपको दिशावां का ज्ञान होना चाहिए। सब तो उपर वाली दिशा की है उत्तर हेठां वाली दक्षण पूर्व वल पछम सज्जे हिस्से वल पूर्व खब्बे हिस्से वल पछम आप चार दिशावां देखियां। उस तो बाद आप वेख्या भी भारत की थल सीमा जल सीमा थल सीमा जिन्हें भी क्वेश्चन बनते हैं दोबारा रिपीट करा रहा पहला क्वेश्चन भारत की थल सीमा किन्ने देश लगते हैं तो उत्तर आ गया अपना सत्त देश लगते हैं। दूसरा प्रश्न इन्हां विचों किहड़ा देश भारत नाल लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता ज थल सीमा शेयर नहीं करता वह सत्त देश किहड़े किहड़े हैं अपने याद रखने हैं उन्हां दी ट्रिक है बचपन एन बी ए तो एक आप उन्होंने सिलैक्ट कर लेंगे। तीसरा प्रश्न भारत सब तो ज़्यादा थल सीमा किहड़े देश नाल लगती है। देखो कई बार देखने को लगता है चीन पर सब तो ज़्यादा जी थल सीमा किहदे नाल लगती है बंगलादेश नाल लगती है ये ट्रिक बचपन एन बी ए वह की है वाधे तो घटते क्रम वाल है। सब तो घट भारत की थल सीमा किहड़े देश नाल लगती है अफगानिस्तान नाल। चौथा प्रश्न यह बनया पहला प्रश्न भी किन्ने देशों नाल लगती है दूसरा प्रश्न किहड़े देश नाल नहीं लगती तीसरा प्रश्न सब तो वध किस नाल लगती है चौथा प्रश्न सब तो घट किस नाल लगती है पंजवां प्रश्न थोड़ा बनता है भी भारत की थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है वह आप दस दी 15200 के करीब। इस तरह अपना थल सीमा वाला पोर्शन पूरा हो गया सी फिर आप जल सीमा आए जल सीमा समझने तो पहला आप देखा भी जल सीमा की है जो त्रिभुज तिने पास भारत ने की है पानी नाल घिरिया होया है जिसनों आप जल सीमा कह दें तट खेत्र कह दें। भारत के पूर्व में की है बंगाल की खाड़ी है पछम में की है अपने अरब सागर है दक्षण में की है हिंद महासागर है। उस तो बाद देखा भी भारत के किन्ने राज लगते हैं समुद्र नाल कह लो तट खेत्र के नाल भारत के किन्ने राज लगते हैं
ਇਹ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਗਜੈਕਟ ਭਾਵੇਂ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਵੀ 9 ਰਾਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, 9 ਰਾਜ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਦੇ 9 ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੱਟ ਖੇਤਰ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁੰਬਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਗੋਆ, ਬਸ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੁੰਬਈ ਗੋਆ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਗੋਆ, ਫਿਰ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਿਖ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ, ਉੜੀਸਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ 9 ਰਾਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਮੇਨ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਨੇਪਾਲ ਹੈ ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਗਲੀ ਜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਕਮ, ਜੋ ਛੋਟਾ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਾਫੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਿੱਕਮ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 2 UTs ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਲਦਾਖ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਪ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਦਾਖ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਮੇਨ ਸਟੇਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਚੈਪਟਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੈ 11-12 ਸਟੇਟਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਸ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ, ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਉੱਤਰ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਬੀ, ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ 7 ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ 7 ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਅਸਾਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 7 ਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਸਿਕ ਆਈਡੀਆ ਲੈਣਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਿ ਐਂਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਤੱਟ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, 9 ਸਟੇਟ ਲੱਗਦੇ, 9 ਸਟੇਟ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਨੇਪਾਲ ਅਤੇ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਸਿੱਕਮ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਆਪਣੇ 10 ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜ ਨੇ, ਸਿੱਕਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 7 ਰਾਜ ਨੇ, 10 ਦੇ 7 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, 17 ਰਾਜ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 18 ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਲਦਾਖ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਰੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ 1x1 ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕੀ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਿਆ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 73 ਬਾਰੇ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 73 ਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਕੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਸ ਸੈੱਟ ਕਰਿਆ 73 ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਓਵਰਵਿਊ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੋਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 73, ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।